गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं विद्युत एवं आधारभूत संरचना। ठीक है, ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये हमारा जो सिलेबस है सीएमओ का। ठीक है, सीएमओ का जो सिलेबस है उसमें जो सेकेंड पेपर होने वाला है छत्तीसगढ़ पार्ट वाला, उसी का टॉपिक है। ठीक है, उसमें से एक टॉपिक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय ने जो रिपोर्ट जारी की है इसी साल 2018-19 का, तकरीबन 300-350 पेज का जो है, उसमें से भी एक टॉपिक है, 16 टॉपिक्स में डिवाइडेड है वो। ठीक है, उसमें से भी एक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली में ये एनर्जी के अंदर ही आता है, विद्युत एवं आधारभूत संरचना। तो वो जो आर्थिक और सांख्यिकी जो संचालनालय है उसमें जो दिया है विद्युत के साथ, उसने परिवहन को भी साथ में दिया है। तो हम भी, हमारे सिलेबस में परिवहन भी है, तो हम भी उसी तरह से ही इसे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या देखेंगे। देखिए, इसको मुझे 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। मैं बनाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन इस पार्ट में हम 14 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके नेक्स्ट वीडियो आज ही आ जाएगा रात में, MCQs रहेगा, और फिर जो थर्ड वाला है वो परिवहन रहेगा। ठीक है, जिस तरह से हमने राजस्व और आपदा प्रबंधन कोर्स में, राजस्व और आपदा प्रबंधन दोनों ही हैं, और अगर गवर्नमेंट का देखें तो जो राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग एक साथ जुड़ा जाता है, तो हमने वो दोनों जैसे तैयारी की, वैसे ही ये दोनों टॉपिक एक साथ करेंगे। कौन सा टॉपिक? एनर्जी वाला, यानी कि उसके अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी आता है, विद्युत, तो विद्युत वाला टॉपिक, और आपका परिवहन वाला। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि इस टॉपिक के मुख्य बिंदु क्या हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र गैस एवं जल आपूर्ति सहित कि वर्ष 17-18 में भागीदारी जो है GDP में, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में, GDP में, वो है 1869770। ठीक, आसान फिगर है, याद हो जाएगा, हालांकि इस तरह के फिगर नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी देख लीजिएगा एक नज़र। नेक्स्ट जो 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की क्षमता नवंबर 2000 में कितनी थी? 1360 मेगावाट थी, जो कि 18 सालों में 2018 तक में बढ़कर कितनी हो गई है? 3424। बहुत ही आसान फिगर है। ठीक है, तो यानी कि ये ऑलमोस्ट डेढ़ गुना बढ़ी है, यानी कि 152% की वृद्धि हुई है। 152% लिखा है, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो डेढ़ गुना होगा, 1.52। ठीक है, तो 1360 जो दिख रहा है आपको, इसका जो डेढ़ गुना होता है वो तकरीबन 2000 होगा, 2100 के आसपास होगा। तो 2100 और 1360 को आप मिला देंगे तो आपको ये आंसर फिगर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 152% अभी अभी हाल फिलहाल में FNDN का जो 2019 में एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट्री का। ठीक है, देखेंगे वो सब, जो अभी 2018 में जो जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में MCQ के साथ ही देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं, विद्युत वितरण हानि। इस बार 2019 के एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाला सबसे हॉट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाएगा। विद्युत वितरण हानि सतत कम हो रही है। देखिए, हानि, विद्युत वितरण हानि का मतलब होता है जो बिजली की चोरी होती है, या फिर और भी जो 2-3 चीज़ें हैं जो हानि होती है हमारे CSEB को, तो वो उसको देखते हैं। देखिए, विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हो रही है, सब तो ठीक है, ये वाला देखते हैं। जहां विद्युत वितरण हानि 2009-10 में 31% था, 31.5% की हानि होती थी, जो अभी हाल फिलहाल के 2-3 सालों में 2016-18 में बहुत ही कम हो गया है, 18.08%। यही उम्र होती है बालिग होने की, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, 18.08% हो गया है, जो हानि काफ़ी कम हुई है, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो 17-18 की स्थिति में राज्य के, 2019 चल रहा है अभी, तो 19 के बाद 5, 6, 7 बस लिखना है, तो टोटल ये क्या है, इतने गांव हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से, और 99.83% गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है ये, 19535 गांव। ठीक है, 19567 में से 19535 जो है, इतने गांव, और ये परसेंट कितना है, 99.83% गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। परिवहन और संचार के 2 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, लेकिन इस वीडियो में चूंकि हम ये नहीं देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ अभी, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, दो ही चीज़ है, लेकिन ये दो ही नहीं, इसके ऊपर तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि परिवहन के साथ संचार भी जोड़ दिया है हमारे सिलेबस में, तो हमको परिवहन और संचार एक साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इसी टॉपिक में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी,
एक होती है कन्वेंशनल, दूसरी होती है नॉन कन्वेंशनल। ये स्पेलिंग गलत है कन्वेंशनल की, चलिए कोई बात नहीं। देखिए कन्वेंशनल जो एनर्जी होती है उसके अंदर आता है जो फॉसिल फ्यूल से हम बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कोल पेट्रोलियम सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस, ठीक है। तो ऑल दिस कम्स अंडर कन्वेंशनल। पर जो सवाल सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो पूछे जा रहे हैं वो है अपरंपरागत तरीका, यानी कि नॉन कन्वेंशनल तरीका। क्या क्या होता है? सोलार, विंड, बायोगैस, टाइडल एनर्जी एंड जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए ये नीचे से भी देख लीजिएगा आप, टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल क्या होगा, सोलार एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, और जो सबसे हॉट और इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिससे इस बार सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो है भूतापी ऊर्जा, यानी कि जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है बायोफिल और फिर है बायोगैस एनर्जी, इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है। चलिए मैदान में उतरने से पहले देख लेते हैं कि पिछली लड़ाई में क्या पूछा गया था। चलिए देखते हैं, पहला सवाल CMO 2010 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में भारत सरकार उपक्रम NTPC की सुपर थर्मल पावर स्टेशन है? तो ये है कोरबा, ठीक। अब देखिए इस सवाल के बाद हमको डायरेक्ट ये वाला सवाल लेना पड़ेगा, क्यों? देखिए दोनों में डिफरेंस। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में, ये वाला देखिए, ठीक है, किस स्थान में देश की प्रथम मेगा पावर परियोजना सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है सीपत में, NTPC सीपत, और सीपत बिलासपुर में है, बिलासपुर से 10-12 किलोमीटर है ये, मैं ये प्लांट गया हूँ, ठीक है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, ठीक, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ बताया। चलिए ये सेकेंड वाला लेते हैं। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? ये है जिंदल पावर, निजी क्षेत्र की, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिंदल है ना, रायगढ़ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? रुद्री नहीं है, कोरबा जल विद्युत भी नहीं है, बौद्ध घाट करके कोई जल विद्युत परियोजना है ही नहीं, हम 3-4 ही जल, टोटल 37.5 मेगावाट ही है, मात्र 37.5 मेगावाट ही हमारे छत्तीसगढ़ में जल विद्युत परियोजना है, यानी कि हाइड्रो पावर, ठीक है। मिनी माता जल विद्युत परियोजना इसका आंसर है, 3x40 मेगावाट, 40-40 मेगावाट के 3 यूनिट हैं, तो 120 मेगावाट तो यही है, बचे हुए बाकी हैं वो भी हम देखेंगे, 2-3 हैं नीचे, मैं उसको अभी नहीं बताना चाहता हूँ, हम नीचे देखेंगे, नेक्स्ट पेज में आ जाएगा 2-3 पेज के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, सीपत वाला आंसर इसका, ये लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बा वाला है ये सही नहीं है, जनजातीय गांवों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति देने का कोई उसमें कोई वो नहीं है प्रावधान, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजना छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है? सौर ऊर्जा है, सोलार पावर है, बायोमास भी है, बायोगैस भी है, ये पवन ऊर्जा राजस्थान में है, जनरली पवन ऊर्जा यानी कि वो बड़े बड़े जो फैन लगे रहते हैं, 2-3 फैन है ना, बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, उससे ऊर्जा पैदा की जाती है, पवन मेरा नाम भी है इसलिए उससे मुझे ये याद है, और ये तो सिंपल बेसिक चीज़ है सभी को पता होगा। चलिए तो 14 पॉइंट हम देखने वाले हैं, लेते हैं हमारा पहला पॉइंट। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस एवं पानी आपूर्ति का क्या योगदान रहा है? स्थिर भाव 11-12 में, हमेशा क्वेश्चन स्थिर भाव में ही पूछे जाते हैं, प्रचलित भाव में कभी नहीं पूछा जाता है। और देखिए ये एक सवाल अपने आप में एक क्वेश्चन बना रहा है कि विद्युत, सिर्फ विद्युत नहीं है, विद्युत के साथ गैस एवं पानी भी है, तो ये तीन चीज़ देकर किनका रिलेशन आपस में नहीं है ये सवाल भी बनता है, और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हम देखने वाले हैं तालिका, ये किसकी है? विद्युत के साथ गैस और पानी भी इंक्लूड है, तो वृद्धि सबसे पहले देखते हैं फिर हिस्सा देखा जाता है, वृद्धि के ऊपर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या ग्रोथ आई है इस फील्ड में? तो मैं बता दूं इस पे 7.5 ही चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एक ऐसी ब्रांच है जिसके ऊपर थ्रू आउट, भले एवरग्रीन ब्रांच है पर इलेक्ट्रिकल के ऊपर थ्रू आउट 7.5 ही चलती है, इनकी जॉब्स बहुत कम निकलती हैं, उससे ये याद रखने के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक। तो 7.5 ही चल रही है वृद्धि, सबसे कम वृद्धि हुई है 2018-19 में, ये भी एक सवाल बनता है, आप बाकी देख लीजिए 34%, 9%, 9%, 25%, 10%, सबसे कम यही है 7.5, ठीक। नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है ये ऑलमोस्ट इंक्रीज होते होते
इंक्रीजिंग ऑर्डर में 8.5 कर दीजिएगा, 7.5 का 8.5 इस टेबल में जानने के लिए इतना ही है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द पॉइंट, पॉइंट वन में 7.5 ही याद रखिए, ठीक है। वृद्धि 7.5% और जो हिस्सा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 8.5% का। चलिए सेकेंड पॉइंट लेते हैं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी आपका अथॉरिटी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, ये जो है CSEB है, से प्राप्त सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 31/10/2018 की स्थिति में, ठीक है, 3280 मेगावाट की थर्मल पावर है। ये 120 गलत लिखा हुआ है, इनका डाटा है, मैंने इसे छेड़ा नहीं है, पर ये मैं 100% आई एम श्योर कि ये गलत है। ये 137.6 होगा जो हम नीचे इस टेबल से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों अगर आप ऐड करेंगे ना तो ये 3424 आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, थर्मल पावर कितना है, 3280 मेगावाट, ठीक है, याद इस तरह से रखना है। दो दो फिगर को एक साथ करेंगे तो एक साथ ऐसे याद नहीं होता है वो, ठीक है, 3280 मेगावाट। देन जो हाइड्रो पावर है कितना है, 137.6 मेगावाट, और जो नेक्स्ट बचा हुआ है वो 6 मेगावाट का है, ठीक है। तीनों को मिला लीजिए तो 3424 मेगावाट आंसर आ जाएगा। आइए पॉइंट थर्ड लेते हैं, विद्युत उत्पादन की स्थिति, क्षमता एवं विद्युत उत्पादन। यहाँ लेफ्ट में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, ये हाल फिलहाल में ये सवाल एज इट इज़ पूछा गया था, ठीक है। क्या ये कि जांजगीर चांपा के समीपस्थ ग्राम मड़वा टेंडूभाटा में 1000 मेगावाट का तापी विद्युत संयंत्र की इकाई स्थापित की गई है, 2016 में की गई है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2×500 मेगावाट, दो यूनिट है 5 मासों की, यानी कि कुल 1000 मेगावाट का। ये अभी शायद PSC में पूछा था या किसी में पूछा है ये सवाल, ठीक है। नीचे वाला भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर टेबल देख लेंगे, जिससे राज्य के अपने विद्युत संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता वही है, 24-24 से बढ़कर ये 34-24 हो गई है, 152% की वृद्धि हुई है, हमने ऊपर देखा है, इसको पढ़ा है। अब देखिए ऊपर वाला जो थर्मल विद्युत ग्रह जो है थे, उसको हम नहीं, हम पहले जल वाला देखेंगे, इससे पूछने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। मिनी माता हसदेव बांगू जल विद्युत ग्रह, यह है 3×40 मेगावाट का, ठीक है। अब देखिए मिनी माता हसदेव बांगू ये कहाँ पर है, देखिए हसदेव नदी कहाँ से निकलती है, कोरिया से निकलकर कोरबा होते हुए जांजगीर चांपा में वो महानदी पे आके मिल जाती है। महानदी से हसदेव का रिलेशन सिर्फ इतना है कि वो महानदी में आके मिल रही है, उसके बाद महानदी को आप भूल जाइए। हसदेव बांगो जो है ये कोरबा में है, ठीक है। मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत ग्रह कोरबा में है। अभी अभी एक सवाल पूछा था 2018 के कंबाइंड फर्स्ट एग्जाम में, उस पर क्या पूछा था कि चार ऑप्शन दिए थे कि कौन सा बैराज, कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी में नहीं है पूछा था। ऑप्शन में था आपका बसंतपुर बैराज, साराडी बैराज, मिरौनी बैराज, और चौथा ये था ऑप्शन में मिनी माता हसदेव। तो आंसर मिनी माता हसदेव है, क्योंकि ये महानदी पे नहीं है, ठीक है, ये हसदेव नदी पे है, कोरबा पे, याद रखिएगा। और जो बाकी तीन बैराज मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ना साराडी बैराज, मिरौनी, बसंतपुर, ये सब बैराज जो हैं, डैम जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं अभी। चलिए तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, और बाकी तो ये सिकासार वाला है, ये सिकासार कहाँ है, सिकासार पैरी नदी पर है, ठीक है, राजिम के पास गरियाबंद में। गंगरेल तो हमारे दुर्ग बिलाई के पास में ही है, यहाँ से 100 किलोमीटर कुछ है जल विद्युत ग्रह, और उसके बाद बचा हुआ ये कोरबा वाला, बहुत छोटा है ये, तो 1.7 मेगावाट बस है। अच्छा देखिए इस टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है छठवां नंबर का पॉइंट, देखिए भोरमदेव सह उत्पादन कवर्धा मात्र 6 मेगावाट का है 2006 का। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए जो सरकारी ये शुगर मिल जो है, शुगर वाली है ना ये सरकारी वाली, वो है यहाँ पर, ठीक है, उससे बिजली पैदा की जाती है। किससे की जाती है, हगास से, याद रखिएगा, बगास से बिजली पैदा की जाती है। व्हाट इज़ बगास, एक वर्ड है बगास, ये क्या होता है, जो शुगर केन होता है, गन्ना को पेराई होती है यहाँ पे, गन्ना की पेराई मतलब शुगर मिल है, शुगर बनती है, तो गन्ना के पेराई के बाद जो बच जाता है, जो चीज़ जो वेस्ट है, वो कहलाता है बगास। तो उस बगास को सुखा के, उस पर थोड़ा बहुत कोयला वेला छिड़क के, थोड़ा बहुत भूसा डाल के जलाकर, बॉयलर के अंदर जलाकर बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। तो भोरमदेव सह उत्पादन कवर्धा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कवर्धा में है ये, बगास याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इस टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत है, ठीक है, ये भी है 2×250 का है, ये
ये तो 200-250 का है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कोरबा वाला भी है 500 मेगावाट का, और ये मड़वा टेंडू वाटा वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा यही है, और अभी लेटेस्ट 2015-16 में का भी यही है, ठीक है। अच्छा देखो, ये मिनी माता हसदेव बांगो जो है ना, 1994-95 लिखा है, गवर्नमेंट डाटा है, लेकिन ये 1961-62 का है, सबसे पुराना इसकी जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था 1961-62, उसके बाद ये है। अगर ऑप्शन में आएगा तो थोड़ा सा देखेगा, ध्यान रखेगा इस चीज़ को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ पॉइंट, टेबल को, उसको ओपन वाले टेबल को थोड़ा स्टडी कीजिए, इसी से सवाल पूछा जाएगा 100%। नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियाँ। देखिए कुछ रैंकिंग मिली है यहाँ पर जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट है, ठीक है, जिसमें से पहला पॉइंट थोड़ा पहले का है, मीन्स ये पिछले साल का डाटा है, और वही वही सेम चीज़ ये है, ये इस साल का डाटा है। बीच वाला हम पहले देखेंगे, फिर ऊपर और नीचे वाला पॉइंट देखेंगे, बीच वाले पॉइंट में टिक लगा है, इसको पहले देखेंगे। देखिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि CEA की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में, ठीक है, 200-250 मेगावाट वाला जो था ना डॉक्टर, ऊपर देखे ना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला ताप विद्युत गृह कोरबा वाला, इसका जो PLF फैक्टर है 92.3% आया है। व्हाट इज़ PLF फैक्टर? देखिए मैंने 10 साल पावर प्लांट में काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि PLF फैक्टर क्या होता है, पावर लोड फैक्टर होता है। 2014 में जो BOE का एग्ज़ाम हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ ने कराया था, मैंने उसको क्लियर किया था, 2 दिन का एग्ज़ाम होता है, वो ऑलमोस्ट पूरा थ्योरेटिकल होता है, वो सब्जेक्टिव रहता है। BOE मीन्स इक्विवेलेंट टू बॉलर इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये PLF क्या है, व्हाट इज़ PLF? रोज़ हम जब रिपोर्ट बनाते हैं ना प्लांट में, जो कंट्रोल रूम में बैठ के सुबह बनाते हैं, उसमें सबसे पहले PLF देखा जाता है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है, दिस इज़ द आउटपुट एक्चुअली, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये PLF जो है जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना अच्छा रहता है, 90% के ऊपर तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर इस प्लांट का PLF जो है वो इतना है, 92.3% आया है, तो इस वजह से क्या हुआ है, तो देश भर में तृतीय स्थान, तृतीय सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह होने का गौरव मिला है इसको, थर्ड नंबर। इसके ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो स्टेट सेक्टर की जो बिजली पैदा होते हैं उसका PLF, ठीक है, 56% है ओवरऑल, सारे स्टेट्स का 56% है, जो बहुत कम है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का 72% था। जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो बिजली पैदा हो रही है ना 34-24 मेगावाट की, वो जो जितनी बिजली पैदा हो रही है उसका जो लोड फैक्टर है PLF है वो 72% है, बहुत अच्छी बात है। तो उसकी वजह से कौन सा चतुर्थ स्थान, फोर्थ स्थान मिला था हमको, कब, 2017-18 में। तो वही जो है अभी का लेटेस्ट जो है, ये PLF फैक्टर बढ़ गया है थर्ड वाले पॉइंट में, तो हमको चतुर्थ स्थान ही मिला है इस बार भी, कब, 2018-19 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ स्थान मिला है, ठीक। ऊपर वाले में श्यामा प्रसाद जी को, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम हमेशा सिर्फ श्यामा मुखर्जी ऐसा नहीं बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीन चीज़ें हैं इसमें, श्यामा प्रसाद और मुखर्जी, तो थर्ड स्थान मिला है, और ये दूसरे वाले को यहाँ पे फोर्थ स्थान मिला है हमको PLF फैक्टर के में, ठीक है। और ये जो है वितरण हानि, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वितरण हानि 17-18 में वितरण हानि का प्रतिशत 18.08 था, फर्स्ट उसमें देखा था ना हमने मुख्य बिंदु में 18.08%, तो 16-17 की अपेक्षा तो ये कम है, कम हुआ है, और 18-19 में 14% तक करने की लक्ष्य है, यानी कि 18% से 4% तकरीबन कम, 4.11% कम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट लेते हैं ग्राम विद्युतीकरण, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 2019 चल रहा है और 567 लिखना है, इतने गांव हैं हमने ऊपर देखा था, तो इतने में से देखिए 18-250 परंपरागत तरीके से, 1285 अपरंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा विद्युतीकृत हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला लाइन, ठीक, मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है, 19535 गांव जो थे उसमें से 18-250 परंपरागत तरीके से और 1285 अपरंपरागत तरीके से क्रेडा, क्रेडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज क्रेडा, इसको हम देखेंगे, क्रेडा नीचे है, क्रेडा कुछ नहीं है, वो छत्तीसगढ़ का रिन्यूएबल एनर्जी करके है, CREDA, इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, देखेंगे उसको, नीचे देखेंगे हम। जनगणना 2011 के अनुसार विद्युतीकरण का स्तर 99.83% रहा है, 99.83, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर याद रखिएगा। वर्ष 18-19 में दिनांक 30-9-18 की स्थिति में 32 गांव अपरंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा विद्युतीकृत किया गया है, 32 याद रखिएगा, 32, ठीक है। इस प्रकार
इस प्रकार दिनांक 30/9/18 की स्थिति में प्रदेश में कुल 19567 आबाद ग्रामों में से विद्युत की संख्या 19567 ही दे दिया है यहाँ पर। इसका कहना है कि पूरा 100% हुआ है, लेकिन ये तो हमने देखा ना, ये तो 99.83% है। खुद इन्हीं के मुख्य बिंदु में, गवर्नमेंट का डाटा है ये, इन्हीं के मुख्य बिंदु में 99.83 दिया है, तो ये 100% यहाँ पर इन्होंने लिख जरूर दिया है, लेकिन ये सही फिगर नहीं है। ठीक है, 99.83% आप याद रखिएगा, पूरे 100% नहीं हुए हैं अभी भाई। पंपों का ऊर्जीकरण, नेक्स्ट छठा पॉइंट। राज्य गठन के पूर्व राज्य में 73 कृषि पंप थे, ठीक है, 733 और 69 तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जबकि राज्य गठन के पश्चात 18 वर्षों की अवधि में, ठीक है, 34 अतिरिक्त कृषि पंप कनेक्शन का ऊर्जीकरण, पंपों का ऊर्जीकरण किया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर 34। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस जब भी किसी इस तरह के फिगर्स वाले सवाल जब पूछे जाते हैं, अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पंच, ये जो आपका जो बच्चे लोगों ने दिया था ना आपने, ये क्या का हुआ था यार, अभी जस्ट जो मैंने खुद डाला भी था वीडियो आपका, ये पंचायत वाला हुआ था क्या, कौन सा हुआ था, चलिए छोड़िए मैम खुद ही बोल गया। देखिए मैं ये बता रहा था कि जो फिगर्स पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम में, एक्चुअली में ये पूछा गया था कि बजट जो वाला पूछा गया था, ठीक है, अभी कृषि लोगों के लिए कितना बजट है, वो 21,400 something crore ऐसा। तो देखिए इस फिगर से रिलेटेड सवाल जब पूछा जाता है तो उसमें फिगर का भी थोड़ा सा याद रखने के वाला फिगर होना चाहिए। तो देखिए 34 24 24 इस तरह के फिगर ही पूछे जाते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। ये नीचे वाला फिगर मत देखिए, ये कभी नहीं पूछेंगे, चलिए ठीक है। तो ये इस टॉपिक में याद रखिए कि कितने पंप ऊर्जीकरण किया गया है, 34 24 24। सातवां पॉइंट लेते हैं, सातवां पॉइंट हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है मेरे वीडियोस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृषि जीवन ज्योति योजना। देखिए इस योजना को तो ठीक है, यहाँ पर कब लागू की गई, ये 2 अक्टूबर 2009 को की गई है, ठीक है, ये वाली योजना कृषि जीवन ज्योति योजना। नीचे देखिए सौर सुजला योजना, ये 2016 की है, यानी कि ये ऊपर वाला 2009 की है, ये 2016 की है। 18 मई 2016 को सौर सुजला योजना, क्रेडा से रिलेटेड है इसका रिलेशन है, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, सॉरी एजेंसी है, ठीक है। अब देखिए सौर सुजला को पहले देखिए, नहीं हम पहले 2009 वाले को देखेंगे, जो पहले योजना ही है उसको पहले देखेंगे, ठीक है। तो इसके तहत क्या है, ये जो पढ़ लीजिए यहाँ से, इस योजना के अंतर्गत 3 अश्वशक्ति यानी कि 3 हॉर्सपावर तक कृषि पंप के बिजली बिल में 6,000 यूनिट एवं 3 से 5 हॉर्सपावर कृषि पंप के बिजली बिल में 7,500 यूनिट की छूट है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजिंग है ये टॉपिक सातवां नंबर का। नीचे देखिए 1 2 3 3 सवाल 3 different exams से पूछे गए हैं और तीनों के आंसर्स अलग अलग हैं, इसीलिए ये पूछा गया था, ठीक है। तो नीचे तो इसके नीचे ये कुछ खास नहीं है, ये इतना लाख उतना लाख ये सब फालतू चीज़ है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये जो है 2017-18 या फिर 2016-17 दोनों ही सालों में 5 हॉर्स पावर तक की सिंचाई पंपों को निःशुल्क फ्री बिजली दी जाएगी, ठीक, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं क्या सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 16-17 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंचाई पंपों को विद्युत प्रदाय के लिए कौन सी व्यवस्था, देखिए 16-17 2009 की बात नहीं हो रही है, तो ये ऊपर वाला टॉपिक तो ये है ही नहीं इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर जो है ये वाला है, 5 अश्वशक्ति तक निःशुल्क, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों ही नहीं है, PSC का एग्ज़ाम था ये, कंबाइंड फॉरेस्ट एग्ज़ाम PSC ने कराया था, और दोनों बार जब आंसर शीट निकली इसका तो आंसर इसने डी ही लिया है, यही आंसर लिया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिस, क्रेडा, क्रेडा ही नहीं है, क्रेडा ये डी वाला ऑप्शन है, ये क्रेडा ही नहीं है, क्रेडा CREDA यूथ वेलफेयर ऑफिसर 2018 में पूछा था, ये भी PSC ने कराया था। नेक्स्ट सौर सुजला योजना क्या कहता है, ये क्या है, 3 से हॉर्स पावर के पंप की कितनी लागत होती है, 3.5 लाख से 4 लाख बहुत महंगे आते हैं, तो सौर सुजला योजना के तहत ये बहुत ही सस्ते में किसानों को दिए गए हैं, 7,000 से 18,000 रुपये और 10,000 से 20,000 रुपये तक में, 3 हॉर्स पावर का जो पंप है वो केवल 7,000 से 18,000 के बीच में दिया गया है, 5 हॉर्स पावर का पंप 18 से दे 10 से 20,000 के बीच में दिया गया है,
ठीक है, 31 मई, 31 मार्च 2019, अभी 3-4 दिन, 8-10 दिन ही बचे हैं, ठीक है। तो अभी 2019 को ये ख़त्म हो जाएगी सौर सूजला, 2016 से लागू हुई थी, 3 साल की थी ये, ठीक है, 2 साल की थी, 2 साल की, ठीक है। 51,000 किसान इससे लाभांकित हुए हैं। चलिए देखिए, एक और सवाल पूछा गया है इसी से, नीचे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि से कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई? 2 अक्टूबर 2009 को की गई है, ये व्यापम ने जो ऑडिटिंग इंस्पेक्टर का कराया था उसमें पूछा गया था। देखिए ये चीज़ पढ़िए, कृषक जीवन ज्योति योजना क्या है, ये है वो, ठीक है, वही ऊपर जो हमने देखा, 3 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर के पंप 6,000 से 7,500 तक दिए जाएंगे। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में ये आंसर नहीं था, इसलिए मैंने ये चारों क्वेश्चन डाल दिए एक ही साथ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। चलिए 8वां पॉइंट, BPL एकल बत्ती कनेक्शन, ये पॉइंट आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो 9वां पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, LED लैंप वाला, क्योंकि देखिए ये अभी नई गवर्नमेंट भूपेश बघेल जी की आई थी, तो इस योजना को बंद कर दिया गया है अभी अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो इस योजना में क्या था क्या नहीं था उसको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कौन सी योजना बंद की गई है, 3-4 नाम दे दिए जाएंगे। ये LED योजना बंद हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि रमन सिंह सरकार ने इसका सब बांट तो दिया, लेकिन जहाँ से ये ठेका था उसको कुछ पैसा नहीं दिया, और अभी नई सरकार बोलती है वो पैसा हम क्यों दें ठेकेदार को, सीधा बंद कर दी गई है। नेक्स्ट वाला पेज जो है ये एक्चुअली में 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में था, इस बार वाले में ये पेज हटा दिया गया है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों को चेंज करके गांधी परिवार के नाम में रख दिया गया है। तकरीबन 7 चीज़ें ऐसे इस वीडियो के एंड में, वो हम 2 पेज है वो 7, कौन कौन सी अभी लेटेस्ट, इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही रहेगा जो सबसे आखिरी में, ठीक है। तो ये दोनों को देखने का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ही हटा दिया है, गवर्नमेंट ने इस पेज ही को हटा दिया है, ये मैंने पिछले साल वाले से लेके इस पेज को डाला है। चलिए विद्युत उपभोक्ता पढ़ लीजिएगा खुद ही, विद्युत उपभोग का स्वरूप मैंने डाल दिया है इसको, इतने सारे परसेंटेजेस हैं, इसको कहाँ कोई याद रखेगा। आपकी अगर याददाश्त अच्छी है तो पढ़ लीजिए और याद रख लीजिएगा। 13वां और 14वां पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल 2017-18 को देखिए कि राज्य में कुल विद्युत विक्रय, जो जो जितना भी बिजली पैदा होता है उसे बांटा जाता है 5 डिफरेंट फील्ड्स में, सबसे इम्पोर्टेंट है उद्योग, औद्योगिक में यही सवाल पूछा गया था, ठीक है। 2017-18 में विद्युत विक्रय औद्योगिक क्षेत्र में कितना परसेंट किया गया, तो ये 42% किया गया, ये सवाल था, ठीक है। इसके बाद 24% जो है वो घरेलू में दिया जाता है, फिर 23% कृषि लोन को दिया जाता है, बाकी गैर घरेलू में सबसे कम है, और सार्वजनिक रूप से तो केवल 2.5% दिया जाता है। ये सब ऐड कर दीजिएगा 100% हो गए हैं। 17-18 का बस ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछे जाने की संभावना इस 2019 के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा है। 14वां पॉइंट है राजस्व का संग्रहण, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 पेज बचे हैं इस वीडियो के, देख लेते हैं। ये देखिए योजनाओं को जो नाम चेंज किया गया है, यहाँ से पढ़िए, नगरी प्रशासन विभाग, देखिए नगरी प्रशासन मंत्री जो है वो शिव डहरिया जी हैं, ठीक है। 5 योजनाओं के नाम बदले हैं नगरी प्रशासन ने, और श्रम विभाग ने 2 योजनाओं के नाम बदले हैं। नीचे से देखिए जो रेड में है वो सारे गांधी वाले परिवार के नाम हैं, ऊपर के ये जो सभी दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 5, ये 5ों नाम चेंज करके ऊपर के 2 नाम राजीव गांधी जी के नाम पर रख दिया गया है। ये दोनों प्रियदर्शनी इंदिरा के नाम पे रख दिया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम पे, और ये जो ग्रीन वाला है वो रख दिया गया है भीमराव अंबेडकर के नाम पे, ठीक है। तो ये 5ों हैं अपनी काहे की हैं, ये नगरी प्रशासन विभाग ने किया है, और जो श्रम विभाग ने जो किया है ये नीचे के 2 हैं। राज यहाँ पर ना ही गांधी परिवार है नीचे के दोनों में, ना ही दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, तो ये वाला दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना का नाम मिनी माता के जी के नाम पर रख दिया गया है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है यहाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना का नाम शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं इस टॉपिक के लिए। हम बहुत जल्द, मैं आज रात को इसके MCQs डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आज रात को, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।